आज की कक्षा में हम अपनी पाठ्य पुस्तक साहित्य सौरभ का पाठ सलाम पढ़ेंगे, जो हमने पिछली कक्षा में प्रारंभ किया था। सलाम पाठ के लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। वह हमेशा यह कहते थे कि दलितों की कहानी कोई दलित ही सही तरीके से लिख सकता है, कोई और जाति का लेखक नहीं। सुनने में यह बात थोड़ी अजीब प्रतीत होती है, पर जब हम यह कहानी पढ़ते हैं तो हम महसूस करते हैं कि लेखक की बात में कहीं न कहीं थोड़ी सच्चाई तो अवश्य ही है, क्योंकि जिस प्रकार की भाषा, जिस प्रकार की नफरत दलितों के लिए अब तक की कहानी में हमने पढ़ी, वह बड़ी ही हृदय विदारक है और सुनने के बाद, पढ़ने के बाद हमें इस पूरी व्यवस्था पर बड़ा ही अफसोस प्रकट करने की इच्छा होती है। अब तक की कहानी में हमने पढ़ा कि किस प्रकार दलितों की एक बारात गांव में आश्रय लेती है और किस प्रकार उन्हें बुरा भला कहा जाता है, उन्हें चाय के एक कप के लिए भी 100 बातें सुनाई जाती हैं। कमल, जो कहानी के पात्र हरीश का मित्र है और जो जाति से ब्राह्मण है, वह क्योंकि इस बारात के साथ आया है तो उसे भी दलित मानकर एक कप चाय भी नहीं देना चाहते हैं ये लोग। पिछली कक्षा में हमने पेज नंबर 92 तक पढ़ा था। आइए आज की कक्षा में हम आगे का पाठ पढ़ते हैं। जब कमल का इतना अपमान हुआ तब उसे यह प्रतीत हुआ कि कमल को प्रतीत हुआ कि अखबारों में छपती रोज की खबरें गलत नहीं हैं। वाकई में ही दलितों पर जो अत्याचार सुने जाते हैं कि दलित युवक को पीट पीट कर मार डाला गया या उन्हें जला दिया गया, ये सब खबरें उसे एक एक कर याद आने लगती हैं और उसे अपने मित्र कमल की भी बात, जब वह कमल को अपने मित्र हरीश की बात कि वह उसे अखबारों में पढ़कर दलितों के ऊपर तरह तरह के अत्याचार जो किए जाते हैं वह सुनाता था, तो कमल एक ही तर्क दोहरा देता था, हरीश अपने मन से हीन भावना निकालो, दुनिया कहाँ की कहाँ निकल गई है, तुम लोग वहीं के वहीं हो,
उगते सूरज की रोशनी को देखो, अपने आप पर विश्वास करना सीखो। पढ़ लिख कर ऊपर उठोगे तो सब कुछ अपने आप मिट जाएगा। कमल हरीश को बार बार यह बात समझाता था कि हरीश के मन में ही हीन भावना की ग्रंथियां हैं। वह इतना पढ़ा लिखा है और फिर भी इन दकियानूसी बातों पर विश्वास करता है। लेकिन इस वक्त कमल के सामने हरीश का एक एक शब्द सच बनकर खड़ा था, सच साबित हो रहा था। कमल ने फिर से साहस बटोरा और विरोध किया, क्या यही है गांव का अतिथि सत्कार? आप लोग अपने ही गांव की लड़की के लिए ऐसी बातें कर रहे हो? क्या वह इस गांव की बेटी नहीं है? कमल आगे कुछ और बोलता उससे पहले ही रामपाल ने अपने वजूद से ज्यादा शक्ति से चीख कर बोला, जा चुपचाप चला जा, वरना एक भी जिंदा वापस न जा सकेगा, ना वो लौंडिया ही जा पाएगी। कमल को धक्का देकर छप्पर नुमा दुकान से बाहर कर दिया रामपाल ने। इतना ज्यादा अपमान कमल कोई बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहता था। सीने में उठ रहे ज्वार को उसने शांत रखा। उसे हरीश का ख्याल आ गया। वक्त की नजाकत भांप कर चुप रह जाना ही ठीक लगा। वह जानता था कि अगर उसने कोई भी बवाल खड़ा किया तो उसके मित्र की शादी खतरे में पड़ जाएगी। वह जानता था यह वक्त बहुत ही नाजुक है। उसे चुप रह जाना ही ठीक लगा। कमल कोई बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहता था। सड़क से उतरकर वह रेतीले रास्ते पर आ गया। उसकी रग रग में अंगारे दहक रहे थे। लड़कों का झुंड उसके पीछे लग गया था। वे कमल को चिढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। चूहड़ा 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 वे जोर जोर से चिल्ला रहे थे। प्रत्येक शब्द नश्तर की तरह उसके जिस्म को चीर कर लहू लुहान कर रहा था। उसके हृदय में बहुत कष्ट महसूस हो रहा था। कमल लड़कों से बचकर गली की ओर लपका। तेज कदमों से लगभग दौड़ते हुए वह जनवासे में पहुंचा। उसकी सांस फूल गई थी। मूड बुरी तरह उखड़ा हुआ था। जिस्म पर अभी तक हजारों चीटियां रेंग रही थी। पोर पोर गर्म दहकते लावे सा जल रहा था। बच्चों की आवाजें कमल के कानों में पड़ रही थी और वह बहुत ही बुरे मूड में उखड़ा हुआ सा वापस जनवासे में पहुंचा। उसे देखते ही हरीश ने पूछा, क्या बात है, चेहरा उतरा हुआ है? कुछ नहीं, ठीक हूं, कमल ने गहरी सांस ली। कहां चले गए थे?
बड़ी देर लगा दी। चाय का इंतजाम कराया है, बस तुम्हारा ही इंतजार था, हरीश ने कहा। कमल दीवार के सहारे टिककर बैठ गया चुपचाप, जैसे विचारों का सुनसान, जैसे विचारों की सुनसान पगडंडियों पर अकेला विचरण कर रहा हो। उसे इस तरह खामोश देखकर हरीश ने पूछा, क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं कुछ नहीं, बस थोड़ा सिर भारी है, कमल ने अपने दोस्त को टालना चाहा। उसके जेहन में 15 वर्ष पुरानी घटना दस्तक देने लगी, जिसकी स्मृति मात्र से ही उसके शरीर में एक लहर सी दौड़ गई। उस रोज कमल हरीश को पहली बार स्कूल से सीधा अपने घर ले गया था। पिताजी कहीं बाहर गए हुए थे। उसने अपनी माँ से हरीश को मिलाया था। अंदर आज की घटना का कष्ट इतना ज्यादा था कि कमल स्मृतियों में खो गया। अपने बचपन में जब वह हरीश को पहली बार घर लाया था, उसने अपनी माँ से हरीश को मिलाया था, माँ ने दोनों को खाने के लिए कुछ दिया था। हरीश ने पहला कौर उठाकर मुंह में ही रखा था कि कमल की माँ ने पूछा, बेटे तुम्हारे पापा क्या करते हैं? जी नगर पालिका में सफाई कर्मचारी हैं, हरीश ने सहजता से उत्तर दिया। हरीश का जवाब सुनते ही कमल की माँ आग बबूला हो गई। कमल के गाल पर एक झन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा था। पता नहीं कहां कहां से इन कंजड़ों को पकड़कर घर ले आता है। खबरदार, जो आगे से किसी को दोबारा यहां लाया। कमल पर यह हमला अप्रत्याशित था। इतने छोटे से बच्चे को पता नहीं था कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। वह न रोया न कोई प्रतिरोध ही कर सका था, सिर्फ फटी फटी आंखों से माँ के गुस्से से भरे चेहरे को देखता रह गया था। माँ ने हरीश को भी ढेर सी गालियां देकर घर से भगा दिया था। माँ की दुत्कार फटकार से हरीश बुरी तरह आहत हुआ था। कमल ने अपनी माँ का यह रूप कभी नहीं देखा था। उसे समझ ही नहीं आया कि उसके परम मित्र को घर से क्यों भगा दिया गया और उस पर ढेर सारी गालियां भी। उसे पहली बार लगा कि कमल और वह दोनों अलग अलग हैं, दोनों के बीच कोई फासला है। हरीश ने कभी भी किसी के द्वारा ऐसा व्यवहार नहीं देखा था। उसका छोटा सा कोमल हृदय बहुत आहत हुआ, उसे बहुत चोट पहुंची। उसे अपनी पड़ोसी सुगना के शब्द याद आ रहे थे, बेटे बामन से दोस्ती रास नहीं आएगी। लेकिन हरीश ने सुगना की बात को कभी अहमियत नहीं दी थी। कमल उसके लिए अपना था,
एकदम सग्गा, बल्कि अपनों से कहीं ज्यादा उसे अपने मित्र से बहुत अधिक प्रेम था। इस घटना ने हरीश के मन पर कई खरोचे डाल दी थी। हरीश के जाने के बाद माँ लगातार बड़बड़ाती रही थी। सारा घर दोबारा धोया गया था। गंगा जल छिड़क कर जमीन पवित्र की गई थी। माँ कमल के बालमन में भी एक दरार पैदा हो गई थी। वह चुपचाप जाकर अपने कमरे में लेट गया था। छोटा सा बालक और मन में इतनी चोट, इतने सारे सवाल जिनके जवाब उसे शायद पता ही नहीं थे। ढेरों सवाल उसके मन को कचोट रहे थे। आखिर माँ ने ऐसा क्यों किया? उसने अपनी माँ को कभी भी किसी के साथ भी ऐसा व्यवहार करते कभी नहीं देखा था। आइए अगले पृष्ठ पर चलते हैं। क्या कमी है हरीश में? यह प्रश्न उसके अंदर को औंधा। दिन भर उसने कुछ नहीं खाया था। रात में भी माँ ने बहुत समझाया था, ऊंच नीच बताई थी, फिर भी वह चुपचाप निर्विकार मुद्रा में बैठा था। माँ के सारे दांव उसे मनाने में हार गए थे। वह किसी भी तरीके से अपनी माँ की बातों को समझ ही नहीं पा रहा था। बेटे, इनके संस्कार गलत हैं, ये छोटे लोग हैं, इनके साथ बैठने से बुरे विचार मन में पैदा होते हैं। और भी कई बातें माँ ने बताई थी, लेकिन कमल के अनुभव इन सबसे भिन्न थे। उसे कभी भी नहीं लगा कि हरीश में किसी भी प्रकार की कोई कमी थी। माँ अवाक होकर कमल का चेहरा देखने लगी थी। कमल की आंखों में गुस्सा नहीं था, ऐसा था जो धीरे धीरे बर्फ की तरह पिघल रहा था, जिसे वह पकड़ना चाहती थी पर उसकी पकड़ में नहीं आ रहा था। हरीश और कमल इतने अच्छे दोस्त थे कि कमल को कोई बुराई नहीं दिखाई दे रही थी हरीश में, और धीरे धीरे नन्हे से बालक का गुस्सा भी पिघलने लगा। माँ ने हार कर एक समझौता कर लिया था, जिसकी जानकारी हरीश को कभी नहीं हुई। हरीश के खाने पीने के लिए कुछ बर्तन अलग रख दिए थे। तब से आज तक कमल एक ऐसी अंधेरी गली में चल रहा था, जहां रोशनी का कोई कतरा दिखाई नहीं देता है। उसे हमेशा लगता है जैसे वह हरीश से विश्वासघात कर रहा है। आखिर माँ बेटे में एक समझौता हुआ कि हरीश कमल का दोस्त रह सकता है, परंतु उसके खाने पीने के बर्तन बिल्कुल अलग होंगे। और यह बात कमल के दिल को बहुत कचोटती थी। उसे ऐसा लगता था कि वह अपने मित्र से विश्वासघात कर रहा है। कमल को ख्यालों में डूबा देखकर हरीश ने उसे टोका, कहाँ खो गए, लो चाय पियो। एक
देहाती लड़का चाय के दो ग्लास थामे खड़ा था। कमल ने एक ग्लास उसके हाथ से ले लिया। चाय की चुस्की लेते हुए कमल का बिगड़ा हुआ मूड अब बदलने लगा। चाय पीने के बाद सिर दर्द से भी थोड़ी राहत महसूस की उसने। उसका मन अब चाय पीकर थोड़ा सा बेहतर महसूस कर रहा था। सूरज सिर के ऊपर चढ़ गया था। शादी वाले घर में काफी चहल पहल थी। दोपहर के खाने में विशेष इंतजाम किया गया था। पास के कस्बे से नान और मीट बनाने के लिए कारीगर बुलाया गया था। एक मोटा ताजा बकरा काटा गया था। पके हुए मीट और गर्म मसालों की महक पूरे आंगन में फैल गई थी। कुछ लोग सुबह से ही दारू पीने बैठ गए थे। काफी हो हल्ला होने लगा था। बच्चों की चिल्लपों अलग थी। बूढ़े बड़े हुक्के की गुड़गुड़ में अपने जमाने को याद कर रहे थे। औरतों की व्यस्तता कुछ अलग थी। वो बहुत ज्यादा व्यस्त थी अपने कामों में। हरीश की सास ने पुराने कपड़ों पर एक नई ओढ़नी डाल दी थी। दूल्हे को साथ लेकर उसे सलाम पर जाना था। दूल्हे को साथ लेकर सलाम जाने की क्या प्रथा है जो इस प्रकार शादी से जगमगाते घर जहां खाना पक रहा था, लोग बैठ के अपनी पुरानी यादें ताजा कर रहे थे, वहीं हरीश की सास ने एक नई ओढ़नी पहनकर सलाम के लिए दूल्हे को ले जाना चाहा। हरीश के पिताजी कुछ परेशान दिखाई दे रहे थे। कमल ने परेशानी का कारण जानना चाहा तो वे टाल गए। सुबह से ही कुछ चल रहा था जिसका थोड़ा भास कमल को होने लगा, लेकिन कोई भी उससे खुलकर बात नहीं कर रहा था। कमल को समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है जो वह नहीं समझ पा रहा या जिसे उससे छुपाया जा रहा है। अगले पृष्ठ की तरफ चलते हैं। हरीश के ससुर जुम्मन ऋषिकेश में सरकारी कर्मचारी थे। परिवार गांव में रहता था। पारंपरिक जीवन था। गांव के कई परिवारों में साफ सफाई का काम हरीश की सास करती थी। जुम्मन की बड़ी लड़की बाप के साथ ऋषिकेश में ही रहती थी, सरकारी मकान में। आस पड़ोस की देखा देखी जुम्मन ने उसे भी स्कूल भेज दिया। देखते देखते उसने हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली थी। साथ ही उसमें सुघड़ता भी आ गई थी।
यहाँ पर हरीश के ससुराल के बारे में बताया जा रहा है। अच्छा परिवेश पाकर उसमें बदलाव आ गया था। गांव भर की लड़कियों से अलग दिखाई पड़ती थी। वैसे इस गांव की वह पहली लड़की थी जिसने हाई स्कूल पास किया था। जुम्मन की घरवाली जिन परिवारों में काम करती थी उनमें अधिकतर रांघड़ थे। रांघड़ भी एक जाति का नाम है। और गांव देहात में कुछ नियम होते हैं। गांव देहात के नियम कायदे के हिसाब से हरीश को सलाम के लिए विदाई से पहले रांगणों के दरवाजे पर जाना था। यह एक रस्म थी जिसे न जाने कितनी सदियों से निभाया जा रहा था। कहने को तो ये एक रस्म थी पर दलितों के लिए यह बहुत ही शर्मिंदा करने वाली प्रक्रिया थी और जिसमें हरीश के पिताजी अपने पुत्र को किसी भी कीमत पर नहीं भेजना चाहते थे। रांघड़ परिवारों से कई बार बुलावा आ चुका था। बिरादरी के बड़े बूढ़े अपने अपने तर्क देकर ऊंच नीच समझा रहे थे। बाप दादों की रीत है एक दिन में तो ना छोड़ी जावे है। वे बड़े लोग हैं सलाम पे तो जाना ही पड़ेगा। और फिर जल में रहकर मगरमच्छ से बैर रखना तो ठीक नहीं है। और इसी बहाने कपड़ा लत्ता बर्तन भांडे भी नेक दस्तूर भी आ जाते हैं। घर के बड़े बूढ़ों ने हरीश को समझाया कि यह बहुत पुरानी रीति रिवाज हैं। इन्हें एक दिन में तो नहीं छोड़ा जा सकता। और फिर वहां से उसे कपड़े बर्तन और कुछ न कुछ तो अवश्य ही मिलेगा। हरीश ने स्पष्ट तौर पर कह दिया था, मुझे न ऐसे कपड़े चाहिए न बर्तन। मैं अपरिचितों के दरवाजे अनजान लोगों के दरवाजे पर सलाम पर नहीं जाऊंगा। हरीश ने जब भी किसी दुल्हन या दूल्हे को इस तरह दरवाजे दरवाजे घूमते देखा उसे लगता था जैसे स्वाभिमान की चिंदी चिंदी करके बिखेरा जा रहा है। उसे यह रीति रिवाज कभी पसंद ही नहीं आए। बाजे गाजे के साथ घूमता दूल्हा निरीह कमजोर जीव दिखाई पड़ता था। दामाद हो या नई सलाम के लिए घर घर जाने का यह रिवाज उसे पसंद ही नहीं था। दामाद हो या नई नवेली दुल्हन भले ही यह पुरखों ने बनाया हो पर हरीश को यह बात कतई पसंद नहीं थी। बड़े बूढ़े उसे समझा रहे थे, इन रिवाजों को इस तरह छोड़ देना ठीक नहीं है। गांव में रहना है, 10 जरूरतें हैं, जुम्मन ने जोर देकर कहा। हरीश को फिर भी यह बात मंजूर नहीं थी। आज की कक्षा का समय समाप्त होता है। अगली कक्षा में हम आगे का पाठ पढ़ेंगे।